आपको बता दें कि कैराना तहसील मुख्यालय पर तहसील दिवस पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जनपद शामली की उपशाखा तहसील कैराना में लेखपालों को तहसील मुख्यालय पर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 6 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे लेखपालों ने लेखपाल की शैक्षिक अर्हता स्नातक करने व पदनाम राजस्व उप निरीक्षक करने व प्रारंभिक वेतनमान में 2000 रुपये से 2800 रुपये किया जाना, एसीपी विसंगति दूर करना, राजस्व निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती समाप्त करते हुए संशोधित राजस्व निरीक्षक नियमावली 2017 पारित करना, लेखपालों को पदोन्नति द्वारा राजस्व निरीक्षक के समस्त रिक्त पदों को भरना, विशिष्ट परिस्थितियों में लेखपाल को निजी अनुरोध पर प्रदेश के किसी भी जनपद में स्थानांतरित करते संबंधित लेखपाल सेवा नियमावली संशोधन, लैपटॉप व स्मार्टफोन उपलब्ध कराना, वर्ष 2005 में चयनित वर्ष 2003 से 2004 में प्रशिक्षित शासन परिषद की कमी के कारण 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्ति लेखपालों को विज्ञप्ति, चयन प्रशिक्षण के समय प्रभावी सेवा शर्तों के अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शामली से हमारे संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? राजेश भारती, जिला सचिव लेखपाल संघ शामली। सर, जो धरना दिया है, ये क्या मामला है? ये हमारी 600 मांग पत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी से 11 मई 2017 को भेंट की गई थी प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर, उसमें हमारी कुछ सहमति मिल गई थी। इसमें नंबर एक है हमारी जो है शैक्षिक योग्यता ये किया जा, वेतन ग्रेड 2000 से 2500 किया जा, और जी एपीसी की विसंगति दूर की जा। नंबर तीन थी राजस्व निरीक्षक की जो भर्ती है वो जो है सीधे लेखपाल से हो, सीधी भर्ती बंद करी जाए। नंबर चार था लैपटॉप व स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जा, और नंबर पाँच था स्थानांतरण जो है किसी भी ज़िले में निजी अनुरोध पे किया जाए। अच्छा, कब ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना आज एक दिन का धरना है 2 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद 17 अक्टूबर को फिर होगा 2 बजे से 10 बजे तक, अगर मांग पूरी ना हो। हाँ, अगर मांग पूरी ना हो। इसके बाद जो है 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लगातार चलेगा, और 31 अक्टूबर से ही हम जो है इस 17 अक्टूबर से IGRS के कागज़ और जो है आय जाति के निस्तारण हैं वो हम बंद कर दें। ठीक सर, क्या नाम है? ये आप जो धरना दिया, ये क्या मामला है? ये हमारी उत्तर प्रदेश के आवाम से क्षेत्र में सूर्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है, वो जो पीछे भी किया गया था, ये उसमें जो हमारा सरकार ने रहा था, अब दोबारा फिर मांग हो गया।